हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अचीवर्स। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज से पहले, आज की वीडियो से पहले मैंने आपको पूरे रूल्स करवाए थे जो कि बेस होने वाले हैं इस फर्स्ट चैप्टर जर्नल के। तो इसीलिए आपको समझाए गए थे कि आई होप आपको वो रूल्स प्रॉपर समझ आ गए होंगे। तो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर जर्नल विच इज़ द बेस ऑफ ओवरऑल अकाउंटेंसी। ठीक है, अकाउंटेंसी क्या होती है? अकाउंटेंसी किसी बिजनेस की हम लैंग्वेज मान के चल सकते हैं। तो अब एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए आपने 2015 में अपना बिजनेस सेटअप किया और वो अभी तक कॉन्टिन्यूस चलता जा रहा है, तो हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करना चाहता है। आपका मान लीजिए बिजनेस है और आप अपने बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करना चाहते हो कि आपके कितने प्रॉफिट्स हैं, कितने लॉस हैं, क्या एक्सपेंस हुआ है, एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज क्या है। तो उस ओवरऑल जितनी भी एक्टिविटीज है उसको चेक करने के लिए आपको अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। इसलिए हम बोल देते हैं कि अकाउंट्स जो है वो किसी भी बिजनेस की लैंग्वेज है, कि अकाउंट्स की ही हेल्प से आप अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को गेट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसी आप क्या ध्यान रख सकते हो, आपका बिजनेस 2015 में सेटअप हुआ था, तो क्या आपकी मेमोरी इतनी शार्प है कि 2015 से लेके टिल 2023 तक आप ओवरऑल अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को मेमोराइज कर सकते हो? नो, नेवर। तो इसलिए हमें अकाउंट्स को सेटअप करना पड़ता है। आई होप आपको पता चला होगा कि अकाउंट्स क्यों बनाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो भी ट्रांजेक्शन्स है, अब व्हाट इज ट्रांजेक्शन, हिंदी में हम बोले तो लेन देन। कोई भी बिजनेस किया जाता है तो उस बिजनेस के लिए हम सेल, परचेज, कोई आप रेंट पे कर रहे हो, कोई सैलरीज पे कर रहे हो, कि कोई ना कोई ट्रांजेक्शन होती है तभी बिजनेस होगा ना। ये तो नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, बस अपने बैठे रहते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कोई भी एक्टिविटी नहीं करोगे। नहीं होता कि हमने कभी कोई परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, कोई एक्सपेंसेस पे किए हैं, कोई एसेट्स परचेज किए हैं, एसेट सेल किए हैं, लाइबिलिटीज बनी हैं। तो ये सब जो लेन देन है इसको हमने ट्रांजेक्शन का नेम दे दिया। ठीक है, तो इन ट्रांजेक्शन की हम एंट्री करते हैं। एंट्री मीन्स ट्रांजेक्शन को कहीं पे लिखा जाता है, जहां पे लिखा जाता है उसको हमने अकाउंट्स का नेम दे दिया। तो इन ट्रांजेक्शन को जो लिखने को हम क्या बोल देते हैं, एंट्री कर देते हैं। ठीक है, जर्नल में जो हम ट्रांजेक्शंस की एंट्री करते हैं उसको अकाउंट्स की लैंग्वेज में जर्नलाइज बोलते हैं। आगे आपको बात समझ, क्या बोलेंगे, जर्नलाइज, जर्नलाइजिंग करना। तो जर्नल में जो भी एंट्रीज होती हैं, जो भी आपकी ट्रांजेक्शन्स हैं उनकी जो हम एंट्री करते हैं उसको हम बोल देते हैं जर्नलाइजिंग करना। क्लियर हो गया? अब जर्नल एंट्री करने के भी टू सिस्टम हैं। फर्स्ट वन है डबल एंट्री सिस्टम एंड सेकेंड वन है सिंगल एंट्री सिस्टम। बच्चे डबल एंट्री सिस्टम, नेम से ही पता चल रहा है कि आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो हमेशा उसके टू अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं। इट मे बी डेबिट एंड इट मे बी, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं DR डॉट, एंड इट मे बी क्रेडिट, इसको हम बोल सकते हैं CR डॉट। क्लियर हो गया? अब डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगी, आप उस लिंक से डायरेक्ट उस वीडियो पे जा सकते हैं। अब डेबिट क्या करना है, क्रेडिट क्या करना है, इसके भी मैंने रूल्स आपको डेबिट क्रेडिट के ऑलरेडी बता दिए हैं, जिसके अंदर हमने थ्री अकाउंट्स लिए थे, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट के अंदर, पर्सनल अकाउंट में हमने लिखा था डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और नॉमिनल अकाउंट्स में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस
क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब इनकम क्या है, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एक बार मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है कि क्या पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट के अंदर है। अब डबल एंट्री सिस्टम की बात चल रही है बच्चे, डबल एंट्री सिस्टम और आगे हम सिंगल एंट्री सिस्टम भी डिस्कस करेंगे। बस दोनों के रूल्स डिफरेंट है लेकिन एंट्रीज इनकी सेम होती है। तो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हमेशा हर ट्रांजेक्शन के टू अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक अकाउंट डेबिट होगा तो अदर वन क्रेडिट। जैसे मान लीजिए मैंने कुछ फर्नीचर परचेज किया है, तो फर्नीचर परचेज किया है कैश के अंदर तो उससे एक अकाउंट इफेक्ट हो गया फर्नीचर का, और परचेज किया है कैश में तो सेकेंड अकाउंट इफेक्ट हुआ है कैश का। तो टू अकाउंट्स इफेक्ट हो गए हैं, कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा ये हम आगे डिस्कस करेंगे। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि डबल एंट्री सिस्टम क्या है और जनरल एंट्रीज का थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया। नेक्स्ट वन है बच्चे, अप्रोचेस क्या हैं जनरल एंट्रीज की। तो अप्रोचेस के लिए हम टू टाइप्स को डिस्कस करते हैं। अप्रोचेस के अंदर फर्स्ट वन है ट्रेडिशनल अप्रोच एंड सेकंड वन इज मॉडर्न अप्रोच। ये है ट्रेडिशनल एंड नेक्स्ट वन इज मॉडर्न अप्रोच। तो फर्स्टली हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में। सबसे पहले मेरे को आपको फॉर्मेट बताना है कि जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट कैसा होता है। फॉर्मेट ध्यान से समझिएगा, ये बेस है फॉर्मेट। क्योंकि जो अकाउंट्स हम जर्नलाइजिंग करेंगे अगर आपने प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बना रखा है तो इसके आपके मार्क्स कट हो जाते हैं, इसलिए फॉर्मेट पूरा प्रॉपर वे से बनाना होता है। LF लेजर फोलियो, ये है आपकी डेबिट साइड और ये है हमारी क्रेडिट साइड। डेबिट को DR डॉट भी बोल देते हैं, क्रेडिट को CR डॉट। LF का मतलब होता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो क्या है, जर्नल की एंट्री की है आपने, अब ये जर्नल के बाद हम लेजर बनाना सीखेंगे। तो लेजर किस पेज पे आपने एंट्री की है, इस जर्नल एंट्री की लेजर में वो पेज नंबर हम यहाँ पे लिखते हैं ताकि इजी हो जाए कि इस जर्नल की एंट्री कहाँ पर हुई है, लेजर के किस पेज पे हुई है। डेट जिस दिन ट्रांजेक्शन हुई है, पार्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट का वे बताऊंगी, उसके बाद कि डेबिट जितनी अमाउंट से हुई है और क्रेडिट कितनी अमाउंट से हुई है। आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। अब मैं आपको पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। सबसे पहले मान लीजिए एंट्री के एग्जांपल्स लेके चलते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच समझा रही हूं, कुछ भी एंट्री ले लो, रियल देखते हैं। फर्स्ट वन है फर्नीचर परचेस्ड फॉर कैश। अब इसको करने का तरीका क्या है, आप सबसे पहले ये समझिए ऑफ रुपीज 1 लाख, फर्नीचर परचेज किया है 1 लाख का। तो पहले तो ये देखिए कि कौन से दो अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, कौन कौन से टू अकाउंट्स अफेक्ट होंगे, एक फर्नीचर अकाउंट अफेक्ट हो रहा है और एक कैश अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये डबल एंट्री सिस्टम का बेस हो गया है और फर्नीचर और कैश टू अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं। अब कैश एसेट्स हो गई है ना, फर्नीचर और कैश एसेट्स हो गई है, तो हम कहां जाएंगे, रियल अकाउंट के अंदर जाएंगे, क्योंकि रियल अकाउंट में हम ऑल एसेट्स की डिस्कशन करते हैं। रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कम क्या हुआ है, फर्नीचर हमने परचेज किया तो फर्नीचर हमारे पास कम्स इन हुआ है। एंड व्हाट गोज आउट क्या हुआ, कैश, क्योंकि फर्नीचर परचेज किया है तो कैश हमारी कम हो गई है, तो जो गोज आउट हुआ उसको हमने क्रेडिट करना है और जो कम्स इन हुआ है उसको हमने डेबिट करना है। तो बस सिंपल सी, मान लीजिए ये एंट्री हुई है 1 जून को, तो 1 जून 2021 में हुई है, 1 जून में
तो इसकी एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट। इधर हम इसके सामने लिखेंगे कि हमने ये चीज डेबिट की है, ठीक है, क्योंकि हमें ये तो बताना है ना कि किस चीज को हमने डेबिट किया है, किस एंट्री को हमने क्रेडिट किया है। तो स्टार्टिंग में हम वो अकाउंट लिखते हैं जो हमने डेबिट किया है और उसके सामने हम डेबिट शो कर देते हैं। उसके बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, ये एक फॉर्मेट है करने का तरीका है, और उसके बाद टू लिखा जाता है हमेशा। और सेकेंड अकाउंट कौन सा था, कैश का, तो इधर हम लिख देंगे टू कैश अकाउंट। इधर आपको क्रेडिट लिखने की नीड नहीं है बिकॉज आपने पहले ऑलरेडी डेबिट कर दिया है, तो अंडरस्टूड है कि अदर अकाउंट इज क्रेडिट। ओके, ये था एंट्री करने का एक वे। और अब 1 लाख से किया है तो डेबिट वाली साइड में हम 1 लाख लिख देंगे और नेक्स्ट वन क्रेडिट साइड में भी 1 लाख लिख देंगे। क्लियर हो गया आपको? साथ के साथ इधर हम एक्सप्लेन भी करेंगे कि ये क्यों हुआ, रीजन क्या था। तो लिखेंगे, ब्रैकेट डाल दो, बीइंग फर्नीचर परचेस्ड, ठीक है। ये इसको हम क्या बोलते हैं अकाउंट्स की लैंग्वेज में, नरेशन, नरेशन बोली जाती है कि ये एक एक्सप्लेनेशन है कि इस एंट्री को क्यों किया गया है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा कि फर्नीचर परचेस्ड फॉर कैश अकाउंट है। क्लियर है? नेक्स्ट वन हम एक एंट्री और कर लेते हैं, मशीनरी सेल, कैश में सेल हुई है, फॉर कैश ऑफ ₹50,000, मशीनरी सेल कर दी हमने कैश में, तो टू अकाउंट्स इफेक्ट हो गए हैं, मशीनरी एंड सेकंड वन इज कैश अकाउंट। अब जब सेल होगा तो हमारे पास कम्स इन क्या होगा, कैश, ठीक है। आपने कोई चीज को सेल किया है, सेल किया तो हमारे पास पैसा आ रहा है, बट हमारी मशीनरी जा रही है, गॉज आउट हो रही है। तो इसलिए अब सेकंड एंट्री मान लीजिए ये थी हमारी 10th June की, तो हम इधर 10th June को एंट्री कर देंगे, मशीनरी तो सेल हो गई है तो उस मशीनरी तो चली गई, तो कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा 50,000 से। और मशीनरी सेल, बीइंग सेल ऑफ मशीनरी। क्लियर है? ये था हमारा रियल अकाउंट का एग्जाम्पल। उसके बाद अब बात आती है पर्सनल अकाउंट की, ठीक है। अभी तक मैंने आपको ये एग्जाम्पल्स जो दिए थे वो रियल अकाउंट के दिए थे, और अब हम बात कर रहे हैं पर्सनल अकाउंट की। तो पर्सनल अकाउंट की सेल की एंट्री हो रही है, तो पर्सनल अकाउंट के अंदर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं फर्नीचर, फर्नीचर परचेस्ड फ्रॉम राम ऑफ ₹1 lakh। फर्नीचर परचेज किया है बट किया किसे, यहां पे क्या था, कैश में, कैश में किया था, लेकिन यहां पे हम क्रेडिट पे कर रहे हैं, राम से खरीदा, इसका मतलब हमने इसको क्रेडिट पे किया है। टू तरह की एंट्रीज हो सकते हैं, कैश में भी हो सकती है, क्रेडिट में भी हो सकती है। अब आपको ये देखना, अगर कैश में हुई है तो हमने एंट्री कर दिया इसकी रियल अकाउंट में, लेकिन अगर आपकी क्रेडिट में हुई है तो किसी पर्सन का नाम आ गया ना, किसी पर्सन का नाम आ गया तो इट मीन्स राम से किया, तो वो कहाँ आएगा, पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। क्लियर हो गया आपको? और सेकंड अकाउंट कौन सा अफेक्ट हुआ है, फर्नीचर अकाउंट अफेक्ट हुआ है, तो फर्नीचर तो किसमें आ गया, रियल अकाउंट में, और राम कहाँ आ गया, पर्सनल अकाउंट में। तो दो अकाउंट्स पर्सनल और रियल का कॉम्बो बन गया है यहाँ पे, ठीक है। अब फर्नीचर तो परचेज किया, फर्नीचर तो आपके पास क्या है, आ गया, आया है तो आपकी एंट्री हो गई डेबिट व्हाट कम्स इन, तो आप एंट्री कर दोगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू,
यहाँ पे तो हमने लिख दिया था टू कैश अकाउंट, क्यों? क्योंकि कैश में खरीदा था तो मेरा कैश कम हो गया था, लेकिन यहाँ पे हमने किसी पर्सन का नेम मेंशन कर दिया है कि राम से परचेज किया है, इट मीन्स हमने कैश अपना अभी नहीं दिया, हमने क्रेडिट पे किया है। तो क्रेडिट द गीवर, जिसने दिया है हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट, क्योंकि राम क्या है इधर पर्सन है, और पर्सन अकाउंट कौन सा होता है, पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गीवर, तो इधर लिख देंगे टू राम अकाउंट, ठीक है, ऑफ रुपीज 1 लाख। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट वन यहां पे लिखेंगे, अब यहां पे तो मान लीजिए फर्नीचर परचेज किया था, एक एग्जांपल दे देती हूं, सोल्ड मशीनरी टू श्याम, मशीनरी सोल्ड किया हमने शाम को, तो यहाँ पे भी टू अकाउंट्स अफेक्ट हुए, कौन कौन से, मशीनरी अकाउंट और शाम अकाउंट अफेक्ट हो गया है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, अब मशीनरी सोल्ड की है तो हमारा तो क्या हो गया है, हमें तो ना कैश मिला और ना ही हमें शाम का अकाउंट अफेक्ट हो गया मशीनरी, और हमारे पास से मशीनरी चली गई, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मशीनरी किस में आता है, रियल अकाउंट में आता है, एसेट है ना, तो एसेट्स हम रियल अकाउंट में इंक्लूड करते हैं, तो मशीनरी को तो हम कर देंगे टू कैश अकाउंट, तो इधर एंट्री हो जाएगी, और डेबिट द रिसीवर, शाम के पास मशीनरी चली गई है, तो शाम अकाउंट डेबिट, शाम अकाउंट डेबिट टू, और मशीनरी क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मशीनरी हमारे पास से चली गई और शाम का अकाउंट डेबिट हो गया क्योंकि शाम के अकाउंट में मशीनरी चली गई है, ऑफ रुपीज 1 लाख। क्लियर हो गया बच्चे? साथ साथ नरेशंस लिख देना, मेरा मेन जो ऑब्जेक्टिव है आपको सिर्फ एंट्री समझाना है, डेट्स लिखनी है, नरेशन लिखनी है, ये शॉर्ट में इस तरह से नहीं लिखना है, ये आपको सिर्फ मैं एक बार समझाने का वे कर रही हूँ, ठीक है, तो आपको एंट्रीज पे मेन कंसंट्रेशन करना है, एंट्री समझ जाइए, बाद में जो ये रूल्स हैं वो रूल्स तो मस्ट है आपको फॉलो करने ही करने हैं, ओके। आई होप मैंने आपको क्रेडिट और डेबिट दोनों के ऑप्शंस दे दिए हैं। अब आ जाइए नॉमिनल अकाउंट के अंदर, नॉमिनल अकाउंट में हम डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स लेके चलते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 50,000 का, इंटरेस्ट रिसीव हुआ कैश में, ठीक है, तो अब मेरे पास तो क्या आ जाएगा, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इसकी आई बात आपको समझ कि यहां पे इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो मेरे लिए क्या हो गया है, गेन हो गया है, किस फॉर्म में हुआ है, कैश की फॉर्म में हुआ है, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, क्योंकि इनकम्स और गेन्स को हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, नॉमिनल अकाउंट का रूल है, तो इनकम और गेन, रिसीविंग हुआ है ना, कुछ रिसीविंग हुआ है तो मेरे को बेनिफिट हुआ, इनकम हुई, गेन हुई, तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया, किस फॉर्म में हुई है, ये कैश की फॉर्म में। मान लीजिए रेंट पे किया है कैश के अंदर आपने 10,000 का, तो अब ये क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, डेबिट अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट, तो उसकी एंट्री हो जाएगी, अब डेबिट करेंगे तो रेंट अकाउंट डेबिट, और किस फॉर्म में दिया है आपने, कैश के फॉर्म में दिया है, तो टू कैश अकाउंट कर देंगे जितनी भी आपकी अमाउंट है, ठीक है। तो ये था नॉमिनल अकाउंट का रूल, ये आज हमने जनरलाइजिंग करना सीख लिया है, आई होप आपको समझ आया होगा। प्लीज इस आप इसके ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज कीजिए, और मैं आपको 3-4 एग्जांपल्स देती हूँ, आप वो ट्राई कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, परचेज, बिल्डिंग From
एट ₹50 lakhs, इसकी एंट्री मुझे करके दिखाना। सेकंड वन है रेंट, तो सेकंड लिख लेते हैं रेंट एंड लाइटिंग एक्सपेंसेस पेड ऑफ ₹50,000। नेक्स्ट वन फर्नीचर परचेज एट कैश ऑफ ₹1 lakh। तो आप ये तीनों एंट्रीज की प्रैक्टिस करना और ज्यादा से ज्यादा अपनी बुक्स में से प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस के। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू, एंड प्लीज प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।